पे दो कटोरी आटा दे दो। नहीं अब जो महंगा है। तो अभी कितने हैं ये इसके कमेंट वगैरह हैं देखें जी ये। ओके भाई लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दिया न्यू हेयर। तो जी हमारी एक बहन है इंडिया से, तो काफ़ी बार उन्होंने काले कर ली हैं, तो जो है ना अभी हम उनसे बात। रोज मिठाई, रोज मिठाई ना खाया करो फिर पेट खराब हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं। हमारी दुआ है, हमारे देखने वाले जहाँ मेरा खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। चलते हैं व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए चैनल चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। आज हम हमारा रो रहा है। सलाम नहीं करना आपने? मैं कर लूँगी बाद में शाम को। आपने यार हमको थप्पड़ मारी है इसलिए रो रहा है वो। हाँ। उसकी भी गंदी आती है ना, फिर लड़ता है। चुप करवाओ, चलो जाओ उसको। आराम, इधर आओ। चीज़ क्या लेनी है शाम को आपके लिए, जल्दी बताओ, इधर आओ, आ जाओ, आ जाओ, बता दो। आप दाने जो है ना ये अभी जो है ना कल साफ किए थे और अभी सूखने के लिए डाले हुए हैं। चलो बाकली पा दो इसको, बाकली पा दो इसको, चलो आ जाओ। अच्छा इधर आओ, क्या लेना है शाम को? अरम बताओ, चीज़ ही क्या लेनी है बताओ। इधर आओ, इधर आओ, आओ आ मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, आओ। ये गंदी है वैसे भी आपकी अम्मी। ओ ना जी मेरी जिंद लो लई है। अच्छा बाज बाज बाज, अच्छा बाज बाज बाज, अच्छा बाज बाज, क्या लेना है अरम बताओ, क्या लेना है? रो रो ना, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। हाँ क्या लेना है शाम को? हाँ क्या लेना है? तिल मुरुना ले। हाँ रोज मिठाई, रोज मिठाई ना खाया करो फिर पेट खराब हो जाएगा। मिठाई हो? अच्छा वो जो रात खाया था वही लेके आऊँ? खोया, खोया रात को जो लेके आया था शाम को खाया था ना, वो लेके आऊँ? तिल मुरुना लेके आऊँ? जो रात को खाया था वही लेके आऊँ? हाँ जो वो क्या था जो रात को खाया था? खोया था तो खोया। अच्छा था वो, चलो ठीक है। हाँ वो लेके आऊँगा। और क्या लेके आऊँ उसके अलावा? उसके अलावा उसके बाद और क्या लेके आऊँ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बर्फ़ी लेके आऊँ? अच्छा खीरे लेके आऊँ? खीरे, हर चीज़ लेके आऊँ? अब क्या किया जाए, इसने मार खाई है ना, ये हर चीज़ खाएगा। चलो मिला प्याला बेटा, चलो जी, चल 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 चल, मेरे बेटे को प्याल काल दो अब। चलो मैं चलता हूँ, ठीक है। तो मैं पेट्रोल जो है ना वो अकथर डलवाता हूँ, तो अभी मैं आया था यहाँ पे पेट्रोल पंप से जो है ना, यहाँ से पेट्रोल डलवाने के लिए। तो अभी पेट्रोल हमने डलवा ली है और अभी आराम के लिए कोई चीज़ लेनी है, क्योंकि सुबह उसने कहा था कि मेरे लिए कोई ना चीज़ लेके आना, तो अभी चलते हैं चीज़ लेते हैं आराम के लिए। तो अभी मैं शॉप को लॉक करके चला गया था, मैं भूल गया था यहाँ पर जो है ना पानी पड़ा है शॉप के अंदर, तो वो जो है ना मैंने अभी लेना है, ये पड़ा हुआ है पानी। तो अभी हम यहाँ से ले रहे हैं और हम के लिए 30 रुपए का खोया, घर जाऊंगा तो फिर रोएगा वो। ये आ गया जी हमारा खोया। तो जी पहले बहन भाई अभी मैं घर पहुँच चुका हूँ और ये है आराम की चीज़, आधी मैंने खा ली है और आधी जो है ना समीना ने खा ली है, बाकी थोड़ी सी बची है इसके लिए। और ये कहता है कि जो है ना दुकान वाले तो बहुत थोड़ी सी चीज़ देते हैं। थोड़ी सी नहीं देते, हमने खाई है इसमें से। राम ओहो ना करो ऐसे, मुंह को लग जाएगी पागल।
और आते ही आप क्या शुरू हो गई हो देखना? कुछ नहीं, मैं वैसे देख रही थी कॉल। आते ही सबसे पहले ना इसका व्यूज का देखने का काम होता है। जब मैं शॉप से वापस आता हूँ तो सबसे पहले मोबाइल मुझे ले लेती है वो वाला और देखती है। क्योंकि आते तो 2000-1500 कम आते हैं, तो बस मुझे ना शौक होता है, हर यूट्यूबर को शौक होता है। हाँ जी, क्योंकि मेहनत होती है ना व्लॉग बनाने में भी। हाँ। तो अभी कितने हैं ये इसके कमेंट वगैरह हैं देखें जी ये। ओके भाई, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दिया। न्यू हेयर ब्रो, ये है सरदार आकिब भाई और रफीक शेख जो कह रहे हैं। सवेरा नदीम व्लॉग सिस्टर हमारी कह रही हैं, ओहो मुझे तब पता चला, ये जो कल हमने वीडियो बनाई थी उसके बारे में कह रही हैं। हाँ। तो वाकई अफसोस हुआ है जो सिस्टर की डेथ हुई है। हाँ जी, उनको हालात का मुकाबला करना चाहिए था। लोगों का क्या है, लोग तो बकवास करते रहते हैं, तो वो उनको साबित कदम रहना चाहिए, अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए था, वो ऐसा ना करती। तो जो होना था वो हो गया, अल्लाह ताला ने शायद ऐसे उनकी लिखी थी लाइफ, इतना ही लिखी थी। तो हमने भी चैनल बनाया तो हमें भी बातें करते हैं, अब इसका क्या मतलब है, हम लोगों की बातों पे आ जाए। तो हालात का मुकाबला करना चाहिए, हमें अपने घर के बारे में सोचना चाहिए, लोगों का क्या है। हाँ जी, इधर जा रहे हो मेरी बबल खाने के लिए। बबल है उसमें, मेरी बबल है उसमें, तो वो इस वजह से तो कह रहा मुझे दो। चलो, वो उसने खाली लेपर मांगा है मेरी है? बबल मेरी कोई ना खाया, मैंने इसको चीज दी तो है 50 रुपए की लेके आया हूँ इसके लिए, अब इसको और क्या चाहिए, खा तो लिए अब इसने। उल्टा कैसे पड़ा हुआ है? हाँ, कपड़े इसने फाड़े हुए हैं ये देखें। हाँ। ये देखें, ये भी खाया हुआ है इसने, बबल खाया हुआ तो है, फिर अब ये फेंक नहीं रहा, इसको फर्स्ट टाइम खिलाइए बबल, ये पेंडुओं की तरह खा रहा है। तो कहता है पहले मीठी थी अब फीकी हो गई है, इधर इसमें मीठा की तरह। तो मैंने कहा ऐसे होते इसको फेंको अब। कहता नहीं ये चल रहे फेंक तो अब अंदर चली जाएगी, आपके अंदर चली जाएगी। दाने सूख चुके हैं तो अभी जो है ना डाला जा रहा है इनको थैले के अंदर, कल फिर रखना पड़ेंगे। कल फिर रखोगी? मैं तो कहता हूँ बस ठीक है, सुबह ले जाऊंगा इनको पिसवा के लाऊंगा। ज्यादा है देखो ना, पिस जाएंगे इसमें, वो जी चले जाएंगे फिर। देखो ये अपना बर्तन लेके आ गए अब, ये बहुत तंग करता है। तो हमारे घर के साथ ना इधर एक खंडर है, मतलब जिस तरह खंडरात नहीं होते खंडरात, उस तरह का खंडर है। तो वहाँ पे जो है ना मिट्टी जो है ना वो मिलती है चीकी, मतलब जो अच्छी मिट्टी मिलती है वो बिल्कुल जो है ना हार्ड मिट्टी होती है। एक होती है भुरभुरी मिट्टी और वो है चिकनी मिट्टी। तो चिकनी मिट्टी हमने लेके आनी थी, तो थोड़ा बहुत जो है ना काम करना था। एक तो ये जो है ना दीवार चूल्हे हमारे किचन की, इसको हमने अच्छा सा प्लेन बनाना था, और वो चिकनी मिट्टी के साथ, और इस दीवार को भी हमने इसको प्लेन करना था। वो जो है ना कुछ प्लेन है, इससे अच्छी है वो वाली दीवार, और इसको भी हमने उस तरह का बनाना था। और अंदर जो इसके खोल हैं इनको भी हमने दुरुस्त करना था, और जो कि आज हम नहीं जा पाए वहाँ पे, तो कल जो है ना इंशाल्लाह फिर वहाँ पे जाएंगे, आपको भी वहाँ की सैर करवाएंगे, आपको दिखाएंगे वो कितने बड़े खंडरात हैं और कितनी प्यारी प्यारी जगह है, सुनसान जगह है, वो आपको दिखाएंगे कल इंशाल्लाह। तो डाल लिए दाने? हाँ, इसमें थोड़ा सा डलवा लो, ऊपर करवा लो। अच्छा जी, तो प्यारे बहन भाइयों अभी दाने मैंने डाल लिए हैं बोरे में, दाने इसने डाल लिए हैं, और इतना आलसी है मुझे कहती है तुम उठाओ। हाँ तो और कौन उठाएगा, मैं हाजिर, मैं उठवा लेता हूँ, लेकिन रखने कहाँ पे हैं इनको, अभी ना वहाँ पे ना यहाँ पे रखने हैं, क्योंकि सुबह फिर इसको मैं धूप में डालूंगी, क्योंकि अभी गीले हैं, क्योंकि धूप इतनी आपको पता निकलती नहीं है, सर्दियों का सीजन है, तो इस वजह से। तो इसको कहो चिंगम मुंह से निकाल दे, मैं इसको थप्पड़ मारूंगा, फिर जो है ना कहना मुझे कि इसको मारा है, ये अंदर चली जाएगी इसको। अब उसने फेंक दी है। हाँ, अच्छे बच्चे बना करो, गंदे बच्चे ना बना करो, फीकी है वो, फीकी फीकी खा रहा है। अल्लाह के नाम पे दो कटोरी आटा दे दो। नहीं है, बाग जो महंगा है।
माफ करो बाबा। कहाँ पे रखना है? वहाँ पे, क्योंकि इतना महंगा हो चुका है, आपको पता है कि अब तो फकीर को मैं कौन सा मांगने के लिए आया हुआ हूँ। फकीर को देने को, बेचारे फकीर भी खत्म हो गए हैं, नहीं आते इतने। परसों आया हुआ था यहाँ पे। हाँ, तो हमारा घर खत्म हो गए हैं, तो खाता महंगा हो गया, फकीर भी खत्म हो गए तुम्हारे लिए। नहीं, पता है क्या, हमारा घर जो छुपा हुआ है बिल्कुल गन्नों का खेत है, तो वहाँ अब इतना फकीर वगैरह नहीं आते। आज फकीर आया था, लेकिन हमने उसे कहा माफ कर दो। मुझे पता है, बड़ी आई मुझे फकीर बना दिया है। अल्लाह अल्लाह किया करो, हस्बैंड को तो ऐसा ना कहा करो। खुद तो कहा है अल्लाह के नाम पे आटा दे दो, मैंने कहा मैंने तो मजाक किया है, फिर आपने कहा माफ कर दो माफ कर दो। हां, तो नहीं करने के, गलत दबा दूंगा तुम्हारा। ये जो है ना, और हमने गन्ने के खेत उगाए हुए हैं यहाँ पे, आपने उसको डाल के दिए हैं यहाँ पे गन्ने। मैंने इसमें सारी पूरी लाइन बनाई हुई थी। ये देखें जी, ये जो है ना खजूर उगाए हुए हैं, और ये जो है ना आलम का गन्ना। हाँ, गन्ना उगा हुआ है। निकालो ना, निकालना रोएगा। निकाल ले, हाँ चलो निकाल लो फिर। इसका शो खत्म हो गया ना। हाँ, ये गंद वगैरह उठा लिया करो यार। ये हाँ चलो निकालो फिर। हाँ हाँ, तो भागो भागो फिर। कूलर का ढक्कन क्यों खोला यार हम आपने? पानी खत्म हो चुका है इसमें। इसमें पानी पड़ा हुआ है, 3-4 ग्लास पड़े हुए हैं। फिर ये लोग एहतियात करते नहीं है पानी की, फिर फिल्टर से भरना पड़ता है पानी, फिर 24 घंटे मुझे भगाते रहते हैं पानी भरने के लिए। एहतियात किया करो, इसमें मच्छर वगैरह चले जाते हैं। आपकी सुनता है ये? आपकी सुनता है, मेरी नहीं सुनता। तो ये देखो, ढक्कन ना खोला करो, टूटी से भर लिया करो, ठीक है? इसको धोना है, वैसे मैंने नीचे रखा है इसको। ये सुबह से मुझे कह रही थी कि मुझे ना शॉपिंग करवा के लाओ, कल मैं आपको ना बहुत ही बड़े बाजार से शॉपिंग करवा के आऊंगा। मैं आपको बताती हूँ, ये मुझे कह रहे हैं, मैं लड्डे लेके चलता हूँ। वो बाजार होगा, चाहे लड्डा बाजार हो या दूसरा बाजार हो, ये मैं कभी इनके लड्डे में नहीं गई, तो बस एक दफा गई थी, वो भी क्या लेना था पता नहीं, जूते लेने थे हम के, या पता नहीं आपके लेने थे। वो सर्दियाँ थी, हमने जैकेट वगैरह लेनी थी मेरे लिए। हाँ, तो बस मैं एक दफा गई, वो भी एक हाँ, तो लंडे पे कौन से कोई बुरे कपड़े होते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे वो ब्रांडेड कपड़े होते हैं, पता है आपको? मुझे कह रहे हैं कि लंडे से कपड़े लेके दूंगा। यार हर कोई पहनता है, इसमें क्या है? तो मैंने कहा मैं नहीं तुम्हारे लंडे जाऊंगी। क्यों? ये देखो, अब अभी कहते हो सफाई नहीं करती, आप खुद कह रहे थे ना सफाई नहीं करती, ऐसा जब घर में हो ना कमीना, क्या बंदा सफाई करे। ये देखो, अब डब्बे के ऊपर कैसा बैठा होगा। अभी भी हमारी एक सिस्टर की काला है, जो वो कहती है हमारे लिए भी दुआ करें, हमें भी एक अल्लाह पाक ऐसा शरारती बच्चा दे। हाँ जी, इंडिया से हैं वो। हाँ जी, तो अल्लाह पाक जिसकी औलाद नहीं है अल्लाह पाक सबको दे, और खास तौर पे उनके लिए दुआ कर दो। हाँ जी, तो हमारी सिस्टर के लिए स्पेशल मैं भी करूँगी, वो मुझे कह रही थी आपने दुआ करनी है, तो आप बहन भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि उसके लिए दुआ करनी है। लंडे बाजार चलना नहीं चलना? मेहरबानी। लंडा बाजार मैं कल लेके जाऊंगा आपको, बहुत ही अच्छा लंडा बाजार है, जबरदस्त है, देखना मजा आएगा। मैं बंद जूते तो ले लूंगी, लेकिन कपड़े कपड़े वगैरह वहाँ से नहीं लेंगे ना, जूते लेंगे सिर्फ, बंद बंद जूते लेंगे वहाँ से, और जूते देखना बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, यकीन करो, और वो ब्रांडेड जूते होते हैं अच्छे अच्छे। क्या कह रहा है, समझ ही नहीं आती इसकी बातें। तो जी प्यारे बहन भाई, अभी जो है ना हम गूंद रहे हैं आटा, रोट सालन हमने लिया है पका। ये देखें जी, ये आलू का सालन है हमारा, पहले पक चुका है, और अभी जो है ना आटा गूंद रहे हैं हम। आटा गूंदने के बाद हम फिर यम यम करके खाएंगे, ऐसे ना जी। आज हमने मूली के पराठे बनाने थे, लेकिन ये बहुत लेट आया। मैं कहां से लेट आया हूं, मैं आया हूं पूरे 2 बजे। 2 बजे कौन सा लेट होता है अभी? 5-5:30 बजे दिन जो है ग्रूब होता है सूरज, और आप मुझे कह रही हो कि मैं 2 बजे आया हूँ, लेट आया हूँ। कद्दूकाश नहीं था तो मैंने इसे कहा था आप ले आना। कद्दूकाश नहीं था, छुरी तो थी, छुरी से ब्रेक ब्रेक काट के उसको जो उबाल के उसको घोटने के साथ जो है ना पीस के नहीं पराठे बन सकते हैं। पराठे ऐसे थोड़ी बनते हैं।
ओनी कैसे बनते हैं? इसमें सारा पानी निकल जाता है कूट में से। तो मूली के पानी क्या करोगी तुम? आपने खुद नहीं कहा कूट लेती उसको पीस के काट के? तो उसमें घोटना लगा देना ना, ब्रेक हो जाएंगे वो। फिर कैसे बनते हैं फिर मूली के पराठे? बताएंगे कि कद्दू काश के बगैर मूली के पराठे नहीं बन सकते यार। उनको ब्रेक ब्रेक काट के ना छुरी के साथ बन सकते हैं ना? नहीं बन सकते। बस क्यों नहीं बन सकते? अल्लाह की बंदी, जो खाते हैं क्योंकि मैं, मेरी बात सुनो, मैं बना के दूंगा आपको छुरी के साथ ब्रेक ब्रेक, कद्दू काश की तरह ब्रेक काट के दूंगा मैं आपको। मेरी बात सुनो, रोटी में रख के ना फिर बनाना पड़ता, वो निकल जाएंगे जैसे आप काटोगे। इंसान का दिल ना हो ना बनाने का, फिर वो बहाने बनाता है, जिस तरह ये बहाने बना रही है। इसका दिल ही नहीं कर रहा, कल से ये मूलियाँ खाना इसने शुरू की हैं, कच्ची खा गई है। नहीं, आपने बताना है मूली के पराठे कद्दू काश के बगैर नहीं बनते, कद्दू काश। एक बार एक आंटी ने इसको कहा है कि कच्ची मूली खाना ऐसी होती है जैसे घी हो देसी, तो इसलिए तो खुश हो गई है जब मैं मूली लेके आऊँ। इसने कहा हाँ, ये तो देसी घी लेके आ गई है, अब घी खाऊंगा मैं। तो ये देखें, ये कुछ मूलियाँ ऐसे ऐसे खा गई है और कुछ जो है ना पड़ी हुई हैं। ये घी वगैरह कुछ भी नहीं होता, आपको उसने पैंतरा डाला है उस आंटी ने, आपको उस आंटी ने आपको बेवकूफ़ बनाया है। कच्ची मूली घी के बराबर होती है। तो इसमें क्या है, फिर भी ताकत तो है। ताकत क्या होता है कच्ची मूली खाने से, कौन सी ताकत कुछ है? कुछ तो करती होगी ना पेड़ में जाकर। तो अभी जो है ना ये दाने बांध रही है, क्योंकि इस जगह पे जो है ना चूहे ने अपनी वो किया हुआ है। क्या किया हुआ चूहे ने? चूहे ने अपने अपना घर बनाया हुआ है ना, खोदा हुआ है यहाँ पे। तो रोटी जल्दी बनाओ, मुझे भूख लग रही है अभी से। ये क्या है, टुकड़े हैं? शायद बंद कर दिया आपने। हाँ, वो ना आग से रोटी गिर गए हैं, उठा लो इनको। तो जी, हमारी एक बहन है इंडिया से, तो काफी बार उन्होंने काले कर ली हैं, तो जो है ना अभी हम उनसे बात करते हैं। तो वीडियो का करेंगे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारा खाना वगैरह भी बन चुका है, जिस बहन बहन ने खाना है वो भी आकर खा सकती है, सकते हैं। हाँ जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी।